फतेहपुर पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है। जिले में 500 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। साथ ही 30,000 से ज्यादा असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर 8200 अराजक तत्वों को अब तक पाबंद किया जा चुका है। इसके अलावा जिले में 75 ऐसे टॉप 10 अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री खोली जा रही है। एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए हर पोलिंग बूथ पर एक पुलिसकर्मी को इंचार्ज बनाया गया है, जिसके देखरेख व निगरानी में अब तक चिन्हित कर 500 से ज्यादा अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 75 टॉप 10 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 30,000 से ज्यादा ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर 8200 अराजकत्वों को पाबंदी किया जा चुका है। एसपी के मुताबिक गुंडा एक्ट के तहत जिन अपराधियों पर अब तक एक्शन लिया गया है उनके खिलाफ जल्द ही बड़े पैमाने पर जिला बदर की भी कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर से जनमत न्यूज के लिए भीम शंकर की रिपोर्ट। सभी हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग करा ली गई है। करीब 70% से ज्यादा असले जमा करा लिए गए हैं। निरोधात्मक कार्रवाई में 30,000 से ज्यादा लोगों पर 116 की कार्रवाई की गई है, जिसमें 8200 से ज्यादा लोगों को पाबंद किया गया है। इसमें हमने एक पोलिंग स्टेशन पर एक इंचार्ज को नियुक्त कर एक पोलिंग स्टेशन एक इंचार्ज का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उस पोलिंग स्टेशन पर एक इंचार्ज, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो या उसमें सब इंस्पेक्टर हो, उसके द्वारा उस पोलिंग स्टेशन पर सभी जानकारियां जुटाई गई हैं। इसमें चाहे असामाजिक तत्वों के संबंध में जानकारी हो, अपराधियों के संबंध में जानकारी हो, और उसी आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई, उसी आधार पर असले जमा किया जाना और दूसरी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये एक नोडल पॉइंट होगा जिसके आधार पर पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन को के संबंध में जानकारियां जुटाई जा रही हैं और इसको और ज़्यादा सशक्त कर पूरे पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से